गौरी लंकेश और शांतनी भौमिक की जिस तरह से हत्या की गई है हाल के दिनों में, इसको लेकर के आज एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा है मंडी मौज पर। इस वक्त आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है। बहुत ही बड़ी तादाद में छात्र छात्राएँ, पत्रकार, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। बड़ी तादाद में कुछ लोगों का हजूम उमड़ा है। जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं, पत्रकारों पर जिस तरह से हाल के दिनों में हमले हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी हत्याएं की जा रही हैं, जिस तरह से उनको सच बोलने से रोका जा रहा है, जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर के बड़ी तादाद में आज जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट जो है मंडी हाउस से शुरू हुआ है और मंडी हाउस के सड़कों पर आप देख सकते हैं लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, देखिए आप किस तरह से लोगों का एक जन सैलाब जिसको आप कहिए उमड़ा है। बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं इस प्रोटेस्ट में और कई संगठन के लोग इसमें हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, पत्रकार हैं, सभी शामिल हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है JNUSU की वाइस प्रेसिडेंट सिमोन जी। आप आज ये यहाँ पर क्यों शामिल हुई हैं इस प्रोटेस्ट में? हम लोग यहाँ इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि आप जब जिस तरह से देख सकते हैं पूरे देश में जिस तरीके से पॉलिटिकल डिसेंट जब कोई दर्ज कराता है, नेशनलिस्ट थिंकर्स जो अपनी पत्रिकाओं के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों के बीच पहुँच कर और रैशनल थिंकिंग अपनी जब पेश करते हैं तो उनकी किस तरीके से हत्या कर दी जाती है, चाहे वो कलबुर्गी हो, चाहे वो बंसारे हो, चाहे वो दाभोलकर हो। और आज हम लोग यहाँ आए क्योंकि एक महीना हो गया है गौरी लंकेश की हत्या को, एक महीना हो गया है जब उनके घर के सामने ब्रॉड डेलाइट में शी वाज शॉट डेड, फिर भी इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं और ये और बढ़ता ही जा रहा है। जब कोई पॉलिटिकल डिसेंट दर्ज करता है तो उसका किस तरीके से निर्दयी तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है, इसके खिलाफ हम लोग आज प्रोटेस्ट मार्च पे उठे हैं। आगे आप लोगों की और क्या है, अगला स्टेप क्या आप लोगों का है? देखिए हम लोगों का यही स्टेप कोई मतलब हम लोगों का यही रहता है हमेशा कि हम लोग जो हैं अपनी प्रोटेस्ट के थ्रू उनको मूवमेंट्स में शामिल जिंदा रखते हैं और ये बताना चाहते हैं सरकार को कि वो भूली नहीं गई हैं, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग भूले नहीं है और जिस तरीके से उनके साथ उनकी हत्या कर दी गई इस बात को भी हम लोग भूले नहीं हैं। उनको कानूनी कार्रवाई करनी होगी, उनको गिरफ्तार करना होगा द अक्यूज को और उनको जस्टिस देना होगा। यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये है मैम कि 1990 के बाद जितने भी पत्रकारों पर हमले हुए हैं या जिनकी हत्या हो चुकी हैं उनके किसी एक के ऊपर भी अभी तक किसी को भी जो है आरोपी नहीं बनाया गया है, इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि किसी तक अगर सरकार में आप देखिए कांग्रेस की रही है तो कहीं ना कहीं लगता है कि BJP या कांग्रेस सरकार में जिस तरह से पत्रकारों की हत्याएँ हुई हैं, उन पर हमले हुए हैं, ये ऐसे ही चलता रहता है, सरकारें वही रहती हैं और ये सब कुछ चलता रहता है? शुरू हो गया था किस तरीके से मीडिया के ऊपर प्रेशर डाल के उनसे अपनी ही बात बनवाई जाती है और उनको अगर वो प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं और कॉर्पोरेट हाउसेस की ना सुन के और गवर्नमेंट की ना सुन के अगर निष्पक्षता के साथ अपना एक वर्जन वो लोग न्यूज़पेपर में डालते हैं तो उनकी किस तरीके से हत्या कर दी जाती है ये आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से हो रहा है। लेकिन समझने की बात यह है साथी कि हम लोगों को इससे रुकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये न्याय की प्रक्रिया तो जस्टिस विल टेक इट्स कोर्स बट वी विल हैव टू आस्क फॉर जस्टिस, वी विल डिमांड फॉर जस्टिस गौरी लंकेश के लिए, जस्टिस दाभोलकर के लिए, पंसारे के लिए, सबके लिए वी विल हैव टू डिमांड फॉर जस्टिस। अभी 2 तारीख में भी मैम गांधी जयंती पे एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था प्रेस क्लब से जी, अभी गौरी लंकेश को लेकर के और शांतनी भौमिक को लेकर के जी, तो क्या लगता है आपको आज फिर 5 तारीख को भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है जी, क्या लगता है आपको इसका कोई असर दिखेगा इसका? क्यों नहीं, प्रोटेस्ट तो होता है पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए ही होता है, ये असर दिखेगा, गवर्नमेंट जो है हमारी बातें सुनेंगे, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के। तो ये थे हमारे साथ JNUSU की वाइस प्रेसिडेंट सिमोन जो गौरी लंकेश की हत्या को लेकर बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखा और बताया कि इस तरह के असर इसके ज़रूर दिखेंगे, प्रोटेस्ट हमारा जारी रहना चाहिए, हमारा सड़क को उतरना जारी रहना चाहिए, इसका एक न एक दिन ज़रूर नतीजा दिखेगा। मैं सैयद शाह मंडी हाउस से नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए।